Hello students, good evening all of you. Today I will discuss some problems regarding trigonometric function. So let's start. क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन चेक करो. Prove that sine of alpha plus 30 degree कितना है? Cos alpha plus sine of alpha minus 30 degree. ये हमें प्रूव करना है. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ राइट हैंड साइड प्रूव करो, नहीं तो राइट हैंड साइड लो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करो. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला दिया है साइन ऑफ ए प्लस बी का, हमें फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां से यूज करके इसको प्रूव कर देंगे. देखो ध्यान से पहला वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो. पहला वाला क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ अल्फा प्लस 30 डिग्री. फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. चेक करो इसको, लिख सकता हूँ साइन ए मतलब साइन अल्फा, कैन आई राइट कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 साइन ए कॉस बी प्लस ऑफ कितना आएगा कॉस ए साइन बी. कॉस ए कॉस कितना होगा, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस अल्फा साइन ऑफ कितना आएगा साइन ऑफ 30 डिग्री. कैन आई राइट दिस लाइन, इसको लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, कैन आई राइट दिस लाइन, इसको लिख सकता हूँ. जस्ट फॉर्मूला लिखा और कुछ नहीं मैंने किया, जस्ट फॉर्मूला लिखा हूँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन अल्फा cos 30 डिग्री, sin अल्फा into cos 30 प्लस cos अल्फा into sin 30 डिग्री. कैन आई राइट दिस लाइन, हमें क्या चाहिए प्रूफ, sin ऑफ अल्फा माइनस 30 डिग्री. इसका मतलब क्या है, sin a cos b माइनस cos a sin b. ये सुन लो, देखो यहां पे sin a cos b लिया हूं, अगर माइनस cos a sin b ले लूंगा देखना वो वाला आ जाएगा. देखो इसको लिख सकता हूं कि नहीं, ध्यान से देखो, sin अल्फा cos sin अल्फा into cos 30 डिग्री. ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए साइन अल्फा माइनस 30, साइन अल्फा माइनस 30. तो इसको मैं एक टर्म एक्स्ट्रा लेता हूं, अगर मैंने सबट्रैक्ट कर रहा हूं फिर एडिशन भी करना पड़ेगा. ये सुनो, सो कैन आई राइट, क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ 30 डिग्री. कैन आई राइट दिस लाइन, ये वाला एक्स्ट्रा टर्म मैंने लिखा, क्या लिखा हूं, माइनस ऑफ कॉस अल्फा साइन 30, माइनस ऑफ कॉस अल्फा साइन 30. देखो तो ये फॉर्मूला में आया है, आएगा कि नहीं, चेक करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. देखो साइन अल्फा माइनस 30 डिग्री आ जाएगा. ये सुनो, अभी देखो ये वाला टर्म मैंने एक्स्ट्रा लिखा हूं, ये वाला टर्म मैंने एक्स्ट्रा लिखा हूं, तब देखो इसको प्लस कर देंगे, एक्स्ट्रा टर्म को फिर हमें घटाना पड़ेगा ना, ये तो माइनस लिया हूं तो प्लस देकर लिख दूंगा सेम टर्म. सो कैन आई राइट कॉस अल्फा कितना आएगा साइन ऑफ 30 डिग्री. कैन आई राइट दिस लाइन, कैन आई राइट, और ये वाला तो पहले से था मेरा, ये वाला टर्म पहले से था. सो कैन आई राइट this part equals plus of cos alpha into sin of 30 degree. लिख सकता हूं कि नहीं बताओ, can I write this line? देखो ये वाला जो line था sin alpha cos 30, sin alpha cos 30, हमें क्या चाहिए sin of alpha minus 30, मतलब sin alpha cos 30 minus cos alpha sin 30 चाहिए था हमें. क्लियर, तब मैंने यहां पे लिख दिया हूं, यहां पे मैंने लिख दिया, यहां पे देखो cos alpha sin 30 ले लिया, एक्स्ट्रा टर्म ले लिया, अभी देखो इसको मैंने ब्रैकेट ले दिया, कुछ नहीं किया. क्लियर, देखो ये वाला एक्स्ट्रा टर्म लिखा था, ये वाला एडिशन कर दिया, यहाँ पे माइनस लिखा था यहाँ पे प्लस लिख दिया. यस और नो, तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा. ठीक, तब ये वाला मैंने देखो cos अल्फा sin 30 ये पहले से था, cos अल्फा sin 30, देखो ये वाला जैसा था ऐसे रखा. अभी चेक करो, दिस टर्म एंड दिस टर्म आर सेम. यस और नो, दिस टर्म एंड दिस टर्म आर सेम. यस और नो, sin अल्फा cosine 30, cos अल्फा sin 30, cos अल्फा sin 30. यस और नो, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, यहां से यहां तक इसका फॉर्मूला क्या है बताओ, sin ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी मतलब साइन ऑफ अल्फा माइनस 30 डिग्री. कैन आई हैव दिस लाइन, देखो यहाँ पे आ गया साइन ऑफ अल्फा माइनस 30 डिग्री, साइन ऑफ अल्फा माइनस 30 डिग्री. तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. देखो लिख दिया, क्लियर. अभी हमें बताओ ये टू टाइम्स आएगा कि नहीं, दिस टाइम टू टाइम्स है ना, टू टाइम्स. सो कैन आई राइट टू इंटू कॉस अल्फा कॉस 30 साइन 30, साइन 30 डिग्री. कैन आई राइट दिस लाइन, कैन आई राइट दिस लाइन, ये टू टाइम्स आ गए. देखो कॉस अल्फा साइन 30, इधर भी कॉस अल्फा साइन 30, यहां पे भी प्लस यहां पे भी प्लस, तब टू टाइम्स आ गए मेरा, प्लस ऑफ टू टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा इंटू साइन 30. अभी बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2. देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2, 2 × 1/2 cos alpha है, देखो यहां पे cos alpha आ गया कि नहीं. ये सुनो, देखो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा माइनस 30 डिग्री प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, 2 × cos alpha. साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ. कैन आई राइट दिस लाइन, हाफ. सो 2 × हाफ कैंसिल हो गए, 2 और इधर हाफ, 2 कैंसिल हो गए, तो फाइनली कितना आएगा,
फाइनल आएगा दिस पार्ट प्लस कॉस अल्फा, चेक करो दिस पार्ट प्लस कॉस अल्फा आया कि नहीं। यस सर। यस नो? तब यहाँ पे फाइनली हम क्या लिखेंगे, फाइनली लिख लेंगे देखो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस 30 डिग्री, अल्फा माइनस 30 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। चेक करो प्रूफ पार्ट क्या था, कॉस अल्फा देखो कॉस अल्फा आया और साइन ऑफ अल्फा माइनस 30 डिग्री देखो प्लस ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस 30 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला मैंने यूज किया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया, तो वहां से हम प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? देखो अभी सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूफ दैट कॉस 6x इक्वल टू दिस पार्ट, हमें प्रूफ करना है इसे, कॉस 6x का वैल्यू क्या प्रूफ करना है, ये वाला प्रूफ करना है, 32 cos / 6x - 48 cos / 4x + 18 cos / x - 1, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अभी हमें बताओ, हमें पता है cos 3x का फॉर्मूला, हमें पता है क्या है cos 3x का फॉर्मूला, cos 3x का फॉर्मूला क्या है, 4 cos 2x - 3 cos x। क्लियर? और cos 2x का भी वैल्यू हमें पता है, तो cos 2x का ही फॉर्मूला पता है, पहला फॉर्मूला cos square x - sin square x, सेकंड वाला 1 - sin square x, थर्ड वाला 2 cos square x - 1, फोर्थ वाला क्या था 1 - sin square x / 1 + sin square x। क्लियर? चार फॉर्मूला था, हमें जो फॉर्मूला जरूरत होगा वही फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी देखो यहाँ क्वेश्चन में जो प्रूफ पार्ट दिया है सब cos में है, ये सुन लो cos में है, तब हमें cos में हम कन्वर्ट कर देंगे, cos में हम कन्वर्ट कर देंगे। देखो तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो ध्यान से क्या है, cos ऑफ 6x, cos ऑफ 6x, कैन आई राइट दिस लाइन, cos ऑफ 6x, इसको हम ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे ताकि मेरा आंसर ये मिल जाए। ठीक है, देखो तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, cos ऑफ 2 × 3x, कैन आई राइट दिस लाइन, कराएगा किस लाइन, देखो अच्छा से ये कितना था मेरा 6x था, मैंने 2 × 3x कर दिया, 2 × 3x कर दिया, 2 × 3x। अभी हमें बताओ cos 2x का फॉर्मूला cos में क्या था, cos 2x का फॉर्मूला cos में क्या था, cos square x minus 1, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos square x minus 1, ये सुनो क्लियर, तो उस फॉर्मूला की यूज कर लेंगे, तब क्या आएगा 2 cos square 2 cos square 3x, यहाँ पे तो x का जगह पर 3x है, x का जगह पर 3x है, तब यहाँ का 2 cos square 3x minus 1, can I write this line, can I write this line, yes or no, can I write this line, cos 3x का मैंने cos 2 theta का मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया, ये जो 3x है ये मान के चलो थीटा है, तब हम क्या लिखेंगे 2 cos square theta minus 1, थीटा का जगह पर 3x भी डाल दिया और कुछ नहीं किया। ठीक, क्या लिखा हम 2 cos square 3x minus 1, 2 cos square 3x minus 1। अभी cos 3x का फॉर्मूला हमें पता है, यस और नो, cos 3x का फॉर्मूला क्या था, cos 3x का फॉर्मूला बताओ, 4 कैन आई राइट, cos 3x का फॉर्मूला लिखेंगे 2 * ये कितना है 4 cos cube x, 4 cos cube x - 3 cos x, कैन आई राइट दिस लाइन - ऑफ 1, लिख सकता हूं कि नहीं बताओ, इसका कितना है स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, क्लियर, cos 3x का फॉर्मूला क्या था, cos 3x बता 4 cos cube x - 3 cos x, 4 cos cube x - 3 cos x, इसका क्या था स्क्वायर था, स्क्वायर था मैंने स्क्वायर कर दिया, माइनस 1 जैसे था वैसे ही रखा हूं। ठीक, माइनस 1 यहां पे पहले लाइन पे लिखा था, यहां पे माइनस 1 मैंने लिख दिया। क्लियर? अब इसको तोड़ सकता हूं, a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, देखो इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं, 2 × 2 × a स्क्वायर कितना आएगा 4 cos cube x का स्क्वायर, मतलब कितना 4 का स्क्वायर 16 cos 2 / cube x का स्क्वायर कितना आएगा cos 2 / 6 स्क्वायर, पावर सभी टाइम ऐड होता है मल्टीप्लिकेशन में, पावर सभी टाइम ऐड होता है, यस और नो, ये वाला देखो 4 cos cube x इसका स्क्वायर लिखेंगे, देखो ध्यान से आते 4 cos cube x का स्क्वायर कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 cos cube x * cos cube x, cos cube x * cos cube x, तब पावर कितना आएगा 2 × 3 कर दो 6 हो जाएगा, नहीं तो cos cube x * cos cube x, तब सब पावर सभी टाइम ऐड होता है, ये कितना आएगा cos cube / 16 6x। क्लियर? तो वहां पे पुट कर दो कितना आएगा 16, यहां से देखना कितना आएगा 16 cos cube / 6x। अभी क्वेश्चन में देखो 2 × 16 कितना आएगा 32, 32 कितना है cos cube / 6x, देखो आया कि नहीं, आया कि नहीं, क्लियर, उसके बाद चेक करो 2ab, अच्छा 2 × 4 हाउ मच 8 × 3 24, 2 × 4 8 × 3 24, तो लिखो माइनस ऑफ 2ab ना, माइनस 2ab 24,
उसके बाद चेक करो cos cube x into cos x कितना होगा cos cube बटा 4x cos cube x into cos x कितना आएगा cos cube बटा 4x तो लिख दो cos cube बटा 4x can I write this line can I write this line ठीक देखो यहां पे आया है कि नहीं 2 into 24 कितना 48 आया कि नहीं सेकंड वाला टर्म भी मिल गया हमें क्लियर उसके बाद चेक करो d स्क्वायर का मतलब क्या 3 cos x का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 9 cos स्क्वायर x 9 cos स्क्वायर x 9 cos स्क्वायर x 9 cos स्क्वायर x कैन आई राइट दिस लाइन यस सर ठीक माइनस 1 था माइनस 1 देखो माइनस 1 लिखो यहां पे यस सर कैन आई राइट दिस लाइन यस सर समझ में आया कि नहीं बताओ यहां तक क्लियर अभी 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद देखो प्रूफ होगा 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद देखो प्रूफ होगा क्या 2 into 16 कितना आएगा बता 2 into 16 32 cos cube बटा 6x माइनस ऑफ कितना आएगा 48 cos cube बटा 4x कैन आई राइट उसके बाद 2 into 9 कितना आएगा 18 कितना आएगा cos square x माइनस 1 यही वाला राइट हैंड साइड था कि नहीं प्रॉब्लम में चेक करो क्वेश्चन नंबर 2 में राइट हैंड साइड चेक करो फर्स्ट टर्म कितना है 32 cos cube बटा 6x आया क्लियर सेकंड टर्म -48 cos cube बटा 4x -48 cos cube बटा 4x थर्ड टर्म 18 cos square x देखो चेक करो 18 cos square x फोर्थ टर्म -1 देखो -1 मिला है कि नहीं बताओ कैसे फाइंड किया देखो यहां पे ध्यान से एक बार cos 6x मैंने क्या किया cos 2 थीटा फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया cos 2 थीटा का फार्मूला क्या था cos में क्या था cos में मैंने sin में नहीं पूछा लेकिन हमारा आंसर cos में है हमारा आंसर cos में है तब हम क्या किया 2 cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos square थीटा -1 2 cos square थीटा cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos square थीटा -1 देखो यहां लिखा 2 cos square थीटा थीटा का जगह पर 3x था थीटा का जगह पर 3x था तो 3x मैंने पुट कर दिया -1 फिर cos 3x का फार्मूला यूज कर दिया cos 3x का फार्मूला क्या था 4 cos cube x minus 3 cos x इसका स्क्वायर था मैंने स्क्वायर कर दिया minus 1 था जैसा minus 1 लिखा अभी a minus b whole square का फॉर्मूला यूज कर दिया a square minus 2ab plus b square a square minus 2ab plus b square उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर दिया 2 के साथ में जो मल्टीप्लाई 2 into 16 32 2 into 24 48 2 into 9 so it becomes 18 18 cos square x a minus 1 था minus 1 मैंने लिख दिया ये था मेरा फोर्थ पार्ट क्लियर देखो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ो थर्ड क्वेश्चन tan 4x equals to tan 4x equals to 4 tan x into 1 minus tan square x divided by 1 minus 6 tan square x plus of 10 to the power of 4x ठीक है देखो यहां पे जो मैंने राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है देखो tan फॉर्मेट में यस और नो जैसे ये cos 6x का था देखो cos फंक्शन में था यस और नो cos फंक्शन में तो यहां पे क्या दिया है tan फॉर्मेट में दिया है tan फॉर्मेट में दिया है हम tan फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देंगे देखो तो इसको ऐसे हो सकता है कि मैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ tan ऑफ 4x ध्यान से देखना क्वेश्चन को tan 4x तो कैन आई राइट tan ऑफ देख के बताना हमें tan ऑफ 2 into 2x लिख सकता हूं कि नहीं बताओ यस सर कैन आई राइट दिस लाइन tan 4x का मैंने क्या किया tan 4x का 2 into 2x कर दिया 2 into 2x कर दिया अभी बताओ tan 2x का फार्मूला क्या था tan 2x का फार्मूला क्या था tan 2x का फार्मूला ये वाला था कि नहीं बताओ tan 2x का फार्मूला हमें क्या चाहिए 2 tan x डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस tan स्क्वायर x लिख सकता हूं कि नहीं बता 1 माइनस tan स्क्वायर x कैन आई राइट दिस लाइन कैन आई राइट दिस लाइन sin 2x का फार्मूला क्या था 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x और cos 2x का फार्मूला क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x अभी tan 2x बोला है sin by cos कर दो sin 2x by cos 2x तो फाइनली हमें ये मिल जाएगा क्या आएगा 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x अभी हमें बताओ यहां पे x का जगह पर कितना है 2x x का जगह पर कितना है 2x देखो पुट करके लिखो 2 into tan x यहां पे देखो x का जगह पर 2x है तब यहां पे देखो 2x था इसलिए 2 tan x लिखा था यहां पे क्या लिखा 2 into 2x 2 into 2x इसको टोटल को मान लो थीटा tan 2 थीटा थीटा का जगह पे 2x बैठ जाएगा ठीक ना तब इसे क्या करेंगे tan ऑफ कितना आएगा 2 tan ऑफ 2x डिवाइडेड बाय कितना आएगा 1 माइनस tan square of 2x can I write this line can I write this line yes or no yes sir okay तो यहाँ पे कितना था मेरा 4x था यहाँ पे 4x था मैंने क्या किया 2 into 2x 2 into 2x तो यहाँ पे देखो ये 2x है x का जगह पर 2x ले लिया तब क्या आएगा अगर यहाँ पे x होता 2x का फॉर्मूला तो मैंने यहाँ लिखा हूँ ये फॉर्मूला लिखा tan 2x का फॉर्मूला अभी x का जगह पर 2x बैठा दो x का जगह पर 2x तब कितना आएगा tan 4x आएगा कि नहीं
take right hand side to 2x beta, x ke jagah pe 2x, take 2 tan 2x, dekho yahan main likha hu 2 tan 2x, yes or no, niche kitna aayega 1 minus x ka jagah par 2x, x ka jagah par 2x, 2x yahan pe 2x, yahan pe 2x, dekho yahan main 2x likha hu ki nahi, clear, abhi tan 2x ka formula maine put kar denge, tan 2x ka formula put kar denge, dekho isko likh sakta hu ki nahi, tan 2x ka formula bata do, 2 into So can I write 2 into 10 to x का फॉर्मूला ये वाला जो लिखा हुआ है कितना आएगा 2 10 x कितना आएगा 2 10 x डिवाइड बाय कितना है 1 minus 10 square x 1 minus 10 square x डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय यस और नो 10 to x का फॉर्मूला लिख दिया ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया 2 10 x बाय 1 minus 10 square x 2 10 x बाय 1 minus 10 square x क्लियर डिवाइडेड बाय कितना है डिवाइडेड बाय 1 minus डिवाइडेड बाय 1 माइनस देखो यहां पे ध्यान से 1 10 स्क्वायर 2x है तो 10 2x का फार्मूला ये वाला है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे हो गया कितना आएगा 2 10 x कितना आएगा 2 10 x डिवाइडेड बाय कितना आएगा 1 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर x इसका क्या होगा स्क्वायर कैन आई राइट दिस लाइन कैन आई राइट दिस लाइन अभी इसको सिंपलीफाई कर देते हैं इसको सिंपलीफाई करके एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट आ जाएगा मेरा आंसर ठीक अभी हमें बताओ ये वाला टर्म देखो ये 2 * 2 tan x हुआ देखो तो 4 ऊपर है क्या क्वेश्चन में देखो 4 tan x है यस और नो देखो 4 tan x आ गया अभी इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं क्लियर यहां तक कुछ डाउट है किसी को यहां तक किसी को डाउट है पहले क्या किया tan 4x था tan 4x को मैंने लिख दिया 10 * 2 * 2x 2 * 2x हमें tan 2x का फार्मूला चाहिए tan 2x का फार्मूला क्या था 2 tan x / 1 - tan square x अभी देखो x का जगह पर अगर 2x लिखेंगे तब यहां कितना आएगा 4x आ जाएगा 2 * 2x 4x यहां पे x का जगह पर 2x x का जगह पर 2x देखो यहां पे लिख दिया x का जगह पर 2x देखो 2x लिखा x का जगह पर 2x 2x लिखा क्लियर उसके बाद tan 2x का फार्मूला फिर tan में क्या था tan 2x का फार्मूला ये वाला 2 tan x / 1 - tan square x वो पुट कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने ठीक है अभी इसको एलसीएम ले लेंगे अभी बताओ हमें ये कितना आएगा सो कैन आई राइट देखना ध्यान से ये कितना आएगा 4 tan x 4 tan x डिवाइडेड बाय कितना आएगा डिवाइडेड बाय 1 minus tan square x यस और नो 1 minus tan square x होल डिवाइडेड बाय कैन आई राइट दिस लाइन देखो अब इसको एलसीएम लेते हैं 1 minus tan square x 1 minus 10 square x का whole square इधर मैं multiply कर रहा हूँ 1 minus 10 square x का whole square कितना आएगा can I write 1 minus 10 square x 1 minus 10 square x का whole square minus ये कितना है 2 10 x का whole square कितना होगा 4 10 square x 4 10 square x so minus कितना आएगा 4 10 square x 4 10 square x लिख सकता हूँ के लिए बताओ इसका power कितना है इसका divided by कितना है 1 minus 10 square x का whole square 1 minus 10 square x का whole square so can I write 1 minus 10 square x 1 minus 10 square x का whole square can I write this line yes or no बताओ yes sir can I write this line okay अभी हमें बताओ ये सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा इसको a minus b whole square कितना आएगा a square minus 2b plus b square a square minus 2b plus b square और इधर माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स है यस और नो इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं सिंप्लीफाई करो इसे बता दो इसे अभी हमें बताओ यहां पे देखो तो इस लाइन में यहां पे नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है यहां पे नीचे कितना है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक टर्म कट जाएगा यस और नो एक टर्म कट जाएगा तो वो टर्म क्या ऊपर चला जाएगा यस और नो ए बाई बी डिवाइडेड बाय सी बाई डी a by b divided by c by d तब कितना होगा a by b into d by c yes or no तब उस तरह से लिख देंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा ये वाला टर्म ऊपर चल जाएगा क्लियर एक टर्म कैंसिल हो जाएगा और एक टर्म बचेगा तब फाइनली ऊपर क्या बचेगा फाइनली ऊपर बचेगा 4 tan x * 1 minus tan square x 4 tan x * 1 minus tan square देखो आया कि नहीं आया कि नहीं 4 tan x तो है ये वाला क्या करेंगे दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस है इसको क्या करेंगे हम तोड़ेंगे कैसे a by b divided by c by d इसको कैसे लिखते हो so can I write a by b into क्या लिखेंगे आप d by c ठीक ना नहीं तो इस तरह से इसको तोड़ेंगे तो ये वाला 1 minus 10 square x ऊपर चल जाएगा ठीक है यहाँ पे a नीचे है तब क्या आएगा एक टर्म आ जाएगा 1 minus 10 square x 1 minus 10 square x तब
तो फाइनली ऊपर कितना आएगा, 4 tan x इनटू 4 tan x इनटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, इसको सिंपलीफाई करता हूं अभी, इसको चेक करो, इसको सिंपलीफाई करता हूं, ये कितना आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, ये कितना आएगा बताओ, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, उसके बाद बताओ 2 tan स्क्वायर x, ये सुनो, ये माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस ए बी कितना आएगा, माइनस ऑफ 2 tan स्क्वायर x, ये सुनो 2 ए बी, 2 ए बी 2 इनटू 1 इनटू 10 स्क्वायर x, ये भी लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है 10 टू द पावर का कितना आएगा 10 टू द पावर का 4x, ये सुनो क्लियर 10 टू द पावर का 4x, और यहां पे कितना है माइनस 4 tan स्क्वायर x, माइनस 4 tan स्क्वायर x, इसको यहां पे लिख देता हूं, देखो ध्यान से माइनस 4 tan स्क्वायर x, अभी इसको देखो सिंपलीफाई करो क्या आ रहा है, हम इस टर्म को तोड़ लिया हूं, इस टर्म को मैंने तोड़ लिया हूं, ये वाला फाइनली कितना आएगा बताओ, 4 tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x, माइनस 4 4 माइनस 2 कितना आएगा माइनस 6, माइनस 6 tan स्क्वायर x आया है कि नहीं चेक करो, यस सर, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x, अभी देखो ये 10 टू द पावर का 4x, देखो 10 टू द पावर का 4x आया है कि नहीं, क्लियर क्लियर इस लाइन, देखो यहां पे 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x प्लस इसका फॉर्मूला लिखा a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, माइनस 4 tan स्क्वायर x था, मैंने माइनस 4 tan स्क्वायर x लिख दिया, अभी चेक करो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड होगा कि नहीं बताओ, होगा, कितना आएगा माइनस 6 tan स्क्वायर x, देखो चेक करो माइनस 6 tan स्क्वायर x है कि नहीं, क्लियर, अभी चेक करो 10 टू द पावर का 4x है, देखो यहां पे 10 टू द पावर का 4x है, प्लस 1 है, चेक करो प्लस 1, क्लियर, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 6 6 tan स्क्वायर x प्लस कितना है 10 टू द पावर का 10 टू द पावर का 4x, कनाइरा दिस लाइन, ये मेरा प्रूफ पार्ट था, मैंने क्या अज्यूम किया था 10 4x इक्वल्स टू 10 ऑफ 2 इनटू 2x किया, वहां से उसका फार्मूला यूज किया, उसके बाद उसको ब्रेक कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने, तो यहां पे देखो ये राइट हैंड साइड मेरा प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, क्लियर, समझ में आया सबको, ना डाउट है कहीं पे, समझ में आया कि डाउट है, समझ में आ गया ना, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।